नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेल हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख है 1 अगस्त और आज से, जैसा कि आप सभी को पता है, एक बार फिर से 050/60/59 लालकुआ हावड़ा लालकुआ समर स्पेशल का संचालन शुरू होने जा रहा है। मेरे पीछे गाड़ी आ चुकी है, समर स्पेशल लालकुआ हावड़ा के बीच में चलने वाली ऑन टाइम गाड़ी आई है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अप्रैल के लास्ट महीने से 3 समर स्पेशल का संचालन इस पूरे रूट पर किया गया था, जिसमें से हावड़ा लालकुआ, ऐशबाग रामनगर और लालकुआ बनारस के बीच में ये 3 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। अब जिसमें से ये कयास लगाए जा रहे थे, जो ऐशबाग रामनगर समर स्पेशल है वो परमानेंट होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब कहीं ना कहीं ये जो समर स्पेशल ट्रेन है जो मेरे पीछे खड़ी है लालकुआ हावड़ा, कहीं ना कहीं ये अब परमानेंट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन अब बार बार एक्सटेंशन के आ रहे हैं। जुलाई में भी इसको चलाने का प्रोग्राम किया गया था, लेकिन आप सभी लोग मालूम जानते ही हैं कि बारिश हुई, ट्रैक बह गया और ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण जुलाई में इसका संचालन नहीं हो पाया। अब ट्रैक सही हुआ तो दोबारा से ये रेलगाड़ी पटरी पर लौटी है और आज लखीमपुर स्टेशन पर खड़ी है, और लखीमपुर से इंडिया के बिगेस्ट बिजिएस्ट स्टेशन हावड़ा के लिए जाने के लिए यहाँ से तैयार है। बाकी दोस्तों, आपको इस वीडियो में इस ट्रेन का अराइवल डिपार्चर दिखाते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज से 5 फेरों के लिए, यानी कि आज तारीख है 1 अगस्त दिन बृहस्पतिवार, अगले 4 और बृहस्पतिवार तक ये ट्रेन लालकुआ से हावड़ा के बीच में चलाई जाएगी। समय सारणी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। चलिए आपको इस ट्रेन का अराइवल डिपार्चर व्यू दिखाते हैं। तो लखीमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती हुई 050/60 लालकुआ से हावड़ा की तरफ जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन। साथियों, इस लालकुआ हावड़ा समर स्पेशल ट्रेन को रोक करके एक मालगाड़ी का भी क्रॉस कराया गया, देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छी गति से ये मालगाड़ी निकली, एक्शन देख के मज़ा आ गया, लाइव देख के तो और ही मज़ा आ गया, क्योंकि वीडियो में जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है और काफ़ी तेज़ निकली थी बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे रूट पर आजकल मालगाड़ियों को ज़्यादा ही प्रायोरिटी दी जा रही है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि रोज़ा में ब्लॉक चल रहा है, तो गाड़ियाँ जो हैं पंजाब साइड जाने वाली या कहीं भी जाने वाली जो मालगाड़ियाँ हैं बरेली साइड जाने वाली, वो अब इसी रूट से निकाली जा रही हैं। और ठीक है, मालगाड़ियाँ निकालना अच्छी बात है, बट पैसेंजर ट्रेन्स को प्रायोरिटी इस रूट पे कहीं ना कहीं कम दी जा रही है। तो मेरा रेलवे से निवेदन है कि जो नॉर्मल ट्रेन्स जो इस रूट पे चल रही हैं उनको भी आप प्रायोरिटी दें और उनको प्रायोरिटी बेस पर चलाएँ। मालगाड़ियाँ चलाएँ अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उनको लेट ना करें। तो अब मालगाड़ी निकलने के बाद डिपार्चर होता हुआ 050/60 हावड़ा के लिए निकलती हुई लखीमपुर से, आप इसका डिपार्चर व्यू एंजॉय करिए। चमक रहा है बिल्कुल, ये
साथियों इस वीडियो को भेजा है उस्मान भाई ने सेहरा मऊ स्टेशन से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सेहरा मऊ से 050 60 लाल कुआँ हावड़ा समर स्पेशल का आप एक स्पीड एक्शन देखिए।